महाराजगंज जनपद की सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शिकारपुर रोड के पास से 9 किलो चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए है। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि चरस को दिल्ली पहुंचाना था। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम घोषित भी किया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये सातिर तस्कर नेपाल समेत दिल्ली में भी नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। वहीं महाराजगंज की सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने बिहार के रहने वाले अभियुक्त विशाल चौरसिया को शिकारपुर चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब यह अवैध चरस के साथ दिल्ली जाने की फिराक में था। पुलिस और स्वाट टीम ने जब उसकी तलाशी ली तो 24 पैकेट में उसके पास से 9 किलो चरस बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार जो है NDPS और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स महाराजगंज की पूरी टीम द्वारा इस पे परिश्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी कोतवाली की टीम और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर जनपदीय तस्कर, अंतर्राज्यीय तस्कर विशाल चौरसिया, जो मूल रूप से बिहार के बेतिया जनपद का रहने वाला है, उसके पास से लगभग 24 पैकेट में 9 किलो चरस, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है, के आसपास उससे बरामद हुआ है। और साथ में अब इससे गहन पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर किन चैनल से ये इस प्रकार के NDPS को तस्करी किया करता था। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा पता चला है कि किसी सप्लायर द्वारा इसे ये दिल्ली पहुंचाने के लिए दिया गया। जैसा अभी बताया गया है कि अंतर राज्य मूवमेंट किया करता था, बिहार से उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, तो अब इसमें सारी आगे और पीछे की तारों को खोजने का प्रयास विवेचना के दौरान किया जाए। और क्योंकि इसमें हमारी स्वाट टीम और कोतवाली की टीम जो लगातार इसमें लगी हुई थी, इसके द्वारा एक बड़ा अच्छा खुलासा किया गया है। इस पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है और इन पूरी टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।